नमस्कार, आई एम अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया। माय व्हाट्सएप नंबर इज +91 933 411 2316। मेरे यूट्यूब चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वक्त में मेरे डेली अपडेट्स आप देख सकें। आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक पहाड़ी धुन, जिसके लिए स्वरूप जी ने मुझसे निवेदन किया था, और ये श्री सुनील अछवट जी का बजाया हुआ है, और ये ओरिजिनल साउंड ट्रैक के साथ मैं इस ई बेस पूनम फ्लूट से इसके ट्यूटोरियल को बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। चलिए इसे प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहला पीस, ये राग पहाड़ी है, और इस राग पहाड़ी में जो उन्होंने बजाया है लगभग सभी स्वरों को ले लिया है। राग पहाड़ी के अंतर्गत बहुत सारे स्वर का प्रयोग होता है, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, जैसे आपकी खूबसूरती बनानी होती है वो लोग बनाते हैं और हम लोग भी बनाते हैं। तो आइए आप भी जो देखेंगे ये राग पहाड़ी का, सा धा कोमल धा शुद्ध धा। अब इस पीस को देखते हैं। गरे साध सामा, गरे साध सा शुद्ध मा। गरे गरे सरे साध साध, गरे सरे साध साध। फिर उसको आपने लिया है, मगरे गरे सरे सानी, रे, फिर सा लगा कर लगा लीजिए, सा रे सा धा कोमल धा शुद्ध धा। उन्होंने लिया है रे सा धा, उसके बाद एक लहर सा उठेगा, धसा रे सारे गा रे गा पा गा पा धा, धसा रे सारे गा रे गा पा गा पा धा। धा पर फिर विश्राम लेकर या थोड़ा झिंझोटी कान लगाया उन्होंने, धा पा मा गा रे।
सारे रे मगर रे सा। फिर उसको दोनों लिया मा सा धा का, सारे तार सब तक का है। लास्ट में यहां से सा करके ऊपर आ गए, और यहां से डायरेक्ट सा से धा। अब यहां से यह झिंझोटी अंग ही पूरा ले रही है। नी कोमल है, याद रखेंगे सा नी ध म ध सा। ये तार सप्तक में रे सा धा कोमल धा शुद्ध धा। रेसा तार सकता है धा प म प ध रे सा। अब यहां मुड़की लेंगे, ये बिल्कुल फिर पहाड़ी में इंटर कर रहे हैं। रे 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 दा 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 रे रे रे, जब रे बोल रहे हैं तो ये एक्चुअली लग रहा है गारे सारे, और जब धा बोल रहे हैं तो ये बल लग रहा है नी धा प धा। यहां भी ऊपर में तार सप्तक में जब रे लगाया तो रे को तीन चार बार ले रहे हैं, तो गारे सारे की मुड़की लग रही है इसमें। धा कोमल नी म ग रे सा।
है। साथ में लग जा रहा है धा धा मा, और धा से जब मा आ रहे हैं तो बीच में प लगता है लेकिन मीर से धा धा मा लगाते हुए हल्का सा ही धा धा प मा नहीं बोलना है। धा धा मा धा धा मा नी धा प मा गरी उसको उन्होंने एक सपाट तान जैसा दिया धा 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 प धा नी धा
मगा धमरे। मासा मासा सा, मा से डायरेक्ट सा जा रहे हो, मासा मासा सा। अब ताल के अंदर वो खेल रहे हैं, जैसे ताल के अंदर अपना इमेजिनेशन आता है तो कोई भी म्यूजिशियन फिर ताल के हिसाब से खेलते हैं। ताल का जो छंद होता है 1 2 3 1 2 3 चल रहा है, धातु न धातु न, तो मासा मासा सा मासा मासा सा इस तरह से उन्होंने लिया है। मासा मासा सा सा मानी मानी उन्होंने लिया। ध को मंदी मा गा रे सा, धानी मा गा रे सा। मा पधा मा मा गा रे मा, मा पधा मा गा रे मा। मा गा रे सा धा मा गा, मा गा रे सा धा मा गा रे सा धा मा हाफ नोट का। अब यहां कोमल गंधार का भी उन्होंने प्रयोग किया, गा कोमल गा गा। ताल दादरा में ही चल रहा है, धा दिन ना धा तुन गा 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 रे 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 सा 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 धा। ये उन्होंने लिया है धा कोमल नी शुद्ध नी सा रे गा, धा नी नी सा रे गा। दो नी सा एक सा, स्ट्रेच को देखते हैं। गगा रे 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 सानी कोमल रे रे सा। अब छोटे छोटे बोल बनते हैं, पहाड़ी जब धुन बज रहा है तो उसमें छोटे छोटे बोल पकड़ते हैं और उसी को खूब सुनाते हैं दिखाते हैं और उसमें तरह तरह से थोड़ा थोड़ा बदलाव करके उसकी खूबसूरती को प्रदर्शित करते हैं। सा को मनी
सा शुद्ध नी कोमल नी धा सा नी नी धा। उन्होंने एक तिहाई जैसा लिया, धा प मा प धा प मा धा सा धा प मा धा सा धा प मा धा सा धा प शुद्ध मा धा सा। धा प मा पा नी सा से नी का मीठ है ध प ध सा नी। नी प नी कोमल नी प ध म प ग म अब उन्होंने फिर इसको थोड़ा और अलग परिवर्तन किया, नी नी प ध ध म प प ग म नी नी प धा धा म प प ग म इसको नी नी प धा धा म प प ग म। इसको देखते अभी इस पीस को लिया उन्होंने पा धा सा धा सा रे मा पा मा पा धा सा कोमल नी धा। इसको बहुत आराम से नहीं करना होगा, इसको कम से कम 8 गुण में आपको लेना पड़ेगा। ऐसा था सारे सारे मारे मापा मापा धा पादा सा मैंने टुकड़े टुकड़े में आपको बताया, पादा सा धा सारे सारे मा रे मापा मापा धा पादा सा फिर कोमल नी धा। सा ग प
गारी सा एक सरगम है ये सामा रेपा माधा मासा। सा नी धा प म ग रे सा कोमल नी धा प म ग रे सा धसा कोमन्नी सा को मल्ली धा सा नी धा सा नी धा दो बार लिया उन्होंने सा नी धा सा को मल्ली धा सा नी धा नी रे रे सा नी धा सा नी धा नी रे रे सा नी धा नी कोमल चल रहा है यहाँ। धा पा मा गा रे सा कोमल नी धा यानी मध्य अपतक सप्तक से सीधा मंद सप्तक में आया। धा पा मा गा रे सा नी धा फिर उसका दोनों लिया कोमल नी धा पा ये मध्य सप्तक में कोमल नी ध प ध सा रे सा ध सा ध प ध प म प म ग रे सा
सा नी सा रे मा गा रे सा शुद्ध नी। सा सा नी सा में भी नी शुद्ध ही ले रहे हैं। फिर से लिया मारे गसा रेसा रेसा निधा। मागा रेसा कोमल निधा फिर कोमल धा शुद्ध धा। मागा रेसा कोमल निधा कोमल धा शुद्ध धा। नी कोमल नी धा मागरे पंचम बीच में छुप कर आता है नी धा मागरे। इसी बीच पंचम को ले लेना है, हल्का सा टच कराते हुए आएगा। इसको ग्रेस नोट के तौर पर ले सकते हैं या म्यूट में पंचम को छुपा कर लिया गया है नी धा मागरे। नी कोमल धा शुद्ध कोमल धा प म ग रे सा कोमल नी धा। अभी
दादरा से कहरवा में चलाया था। यहां पर समाप्त करता हूं, क्योंकि इसके बाद उन्होंने एक छोटी सी बांसुरी उठाई है, उसको मैं अगले एपिसोड में करूंगा। ये अब 40 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, सो उम्मीद करता हूं ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आएगा और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, कीप वाचिंग मी, अंजनी कुमार गुप्ता, योर फ्लूट प्रमोटर फ्रॉम इंडिया, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।